जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं कमलेश, आपके अपने चैनल इंटीरियर फर्नीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये जो आप सीट देख रहे हैं, ये MDF का है, इसमें डिजाइन कटे वाला है। तो इसके पीछे हम लोगों ने क्या किया दोस्त, मतलब लेमिनेट पेस्ट किया वाइट वाला, तो हमको ये लेमिनेट निकालना है। हम लोग बहुत सारा मतलब काम किए हैं, जो प्लाईवुड के ऊपर से लेमिनेट निकाले हैं, तो आज दोस्तों हम जो हमारे MDF का जो सीट है, इसके ऊपर से लेमिनेट मतलब निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, मैं दो तीन ट्रिक भी आपको बताऊंगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेमिनेट को निकालने के लिए हमको एक हॉट गन का मतलब जरूरत पड़ेगा। मैं कंपनी भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये हॉट गन है, और इसको मतलब गर्म कर, ये लेमिनेट को गर्म करेंगे इसी इसी की मदद से, और हम फर्सी की मदद से निकालेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए कि हम जब हॉट मशीन से लेमिनेट निकालते हैं, तो ये जो फर्सी अपना, ये अच्छा वाला मतलब नहीं लेना चाहिए। ये मतलब जो अपने पास वेस्टेज फर्सी है वही लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे जब ये गर्म होता है दोस्तों, तो ये फर्सी हमारा कच्चा हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि फर्सी को आप मतलब जो वेस्टेज है वही लेके निकालना चाहिए। तो हम इसको पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको गर्म करेंगे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मतलब लाल लाल मतलब रेड कलर का हो गया है गरम करने के लिए। दोस्तों, इस तरह से जब हम लेमिनेट निकालते हैं, तो आपको एक चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, जब ऐसे फर्सी चलाते हैं तो ये हाथ को लगने का डर रहता है, तो वो बात का आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, कुछ इस तरह से निकल जा रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब तो हम लेमिनेट निकालना सीख गए हैं, लेकिन नहीं, अब रुकिए, आगे देखिए कि क्या क्या होता है। आप देखेंगे तो पूरा आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है, कैसे निकालना चाहिए, सावधानी क्या रखना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ A to Z मालूम चल जाएगा। दोस्तों, आपको फर्सी मतलब इस तरह से लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। अगर ऐसे लगाएंगे तो मतलब आसानी से कुछ इस तरह से निकल जाएगा, लेकिन ये जो हाथ पे आ रहा है उसका ध्यान देना है, नहीं तो ये हाथ पे लग जा रहा है। ये देखिए, मेरे हाथ पे भी लग गया थोड़ा। निकालते वक्त दोस्तों दो तीन चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, जैसे कि मान लीजिए ये हाथ पे आ रहा है तो ये क्या होता है, अपना शार्प हो जाता है, तो ये हाथ पे लगेगा तो कट जाएगा, वो भी ध्यान देना है। और मान लो ऐसे ज़ोर से अपन मार रहे हैं तो हाथ इसके ऊपर गया तो भी मतलब जलने का डर है, तो वो चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए निकालने के वक्त, ताकि मतलब ना हाथ को लगे और ना जले नहीं, तो वो हिसाब से आपको ये निकाल लेना है। क्योंकि दोस्तों ये जो पाइप रहता है बहुत तेज़ से गर्म रहता है, क्योंकि आग यहीं से निकलता है, तो ऐसे अपन ज़बरदस्त ऐसे ज़ोर से गए तो यहाँ पे लगने का डर रहता है, तो हिसाब से, और ये भी समझो हाथ को भी लग गए तो कट जाता है, वो हिसाब से आपको देख के काम करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमने पूरा जो लेमिनेट है निकाल लिया है। दोस्तों, हमने जो जो सावधानी बताया है उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि लेमिनेट भी हाथ पे लग रहा है, और वो जो ये हॉट मशीन का जो ये मुंडी है दोस्तों, ये भी हाथ को लग रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आपने हमको सब्सक्राइब करके रखा है तो हम आपको ऐसा विधि बताएं ताकि आप जल जाएँ और मार लग जाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फिर दोस्तों शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।